गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 4 के लेक्चर 7 में पढ़ेंगे ऑक्टेन नंबर। इसके पहले वाली वीडियो में लेक्चर 6 में आपने देखा था नॉकिंग, और नॉकिंग को आपने अच्छी तरह से जाना कि ये नॉकिंग क्या है। किसी भी फ्यूल के रेटिंग के लिए उस फ्यूल में नॉकिंग 0 होना चाहिए, नॉकिंग कम होना चाहिए और एंटी नॉक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। एंटी नॉक वैल्यू हाई होना चाहिए और नॉकिंग वैल्यू लो होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर क्या है, जिसे ऑक्टेन नंबर को हम लोग फ्यूल रेटिंग भी कहते हैं, और स्पेशली गैसोलिन का रेटिंग, पेट्रोल का रेटिंग हम लोग इससे निकालते हैं। फ्यूल आपको जानकारी होगी, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल फ्यूल और डीजल इंजन में डीजल फ्यूल हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑक्टेन नंबर के डिटेल जानकारी के विषय में हमें 1972 में ईगर नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि ऑक्टेन नंबर क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए आप देखेंगे 1972 ऑक्टेन नंबर इज प्रपोज्ड बाय ईगर साइंटिस्ट। ईगर साइंटिस्ट ने ऑक्टेन नंबर के विषय में जानकारी दिया। किसी भी फ्यूल के रेटिंग के लिए हमको ये देखना है तो उसमें उसका नॉकिंग वैल्यू कितना है और उसका एंटी नॉकिंग वैल्यू कितना है। नॉकिंग और एंटी नॉकिंग वैल्यू, यही दो हमें देखना है। नॉकिंग कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और एंटी नॉक वैल्यू हाई होना चाहिए। तो 1972 में इगर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि ऑक्टेन नंबर क्या है। ये ऑक्टेन नंबर क्या है इसको हम लोग देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग देखेंगे किसी भी फ्यूल में, गैसोलिन में दो कंपाउंड मिक्स किया जाता है, एक नॉर्मल हेप्टेन और एक आइसो ऑक्टेन। ये नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन क्यों हम मिक्स करते हैं, तो इसके एंटी नॉकिंग वैल्यू को हाई करने के लिए। नॉकिंग को बैलेंस करता है और एंटी नॉक वैल्यू को बढ़ाता है। नॉकिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इंजन में स्पार्क प्लग के पहले स्पार्किंग शुरू हो जाता है और वहां पर फ्यूल का कंबस्टन स्टार्ट हो जाता है, और वह कंबस्टन इतना फास्ट होता है, तेजी से होता है और कंटिन्यूसली होता है, जिसके कारण एक इंजन में एक्सप्लोसिव आवाज आती है और उसी आवाज को हम लोग नॉकिंग कहते हैं। अच्छे इंजन के लिए ये नॉकिंग का वैल्यू बिल्कुल कम होना चाहिए, नॉकिंग कम होना चाहिए और अच्छे इंजन के लिए नॉकिंग कम होना चाहिए, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारा डिपेंड करता है कि उस इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, इंजन का कंडीशन क्या है, और जो उस इंजन में हम लोग फ्यूल यूज कर रहे हैं उस फ्यूल की क्वालिटी क्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पेट्रोल फ्यूल का रेटिंग ऑक्टेन नंबर से हम लोग देखेंगे। आइसो नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन दो कंपाउंड हम लोग देखेंगे। इस नॉर्मल हेप्टेन का नॉकिंग और एंटी नॉक वैल्यू, नॉर्मल हेप्टेन का नॉकिंग जो है ये 100 है, और नॉर्मल हेप्टेन का नॉकिंग वैल्यू 100 है और इसका एंटी नॉक वैल्यू 0 है, और जस्ट रिवर्स आइसो ऑक्टेन का नॉकिंग वैल्यू 0 है और ये एंटी नॉक वैल्यू जो है ये 100 है, ये 100 है। अब देखेंगे दो कंपाउंड आपके सामने मेंशन किया गया है, एक है नॉर्मल हेप्टेन और दूसरा है आइसो ऑक्टेन। तो नॉर्मल हेप्टेन का नॉकिंग जो है वो 100 है और एंटी नॉक वैल्यू 0 है। आइसो ऑक्टेन के केस में हम लोग देखेंगे कि नॉकिंग 0 है और एंटी नॉक वैल्यू जो है ये 100 है। यहाँ पर आइसो ऑक्टेन का एंटी नॉक वैल्यू
100 है, एंटी नॉक वैल्यू हाई है और नॉकिंग नॉकिंग वैल्यू जो है लो है। तो अभी अभी आपको बताया गया है कि अच्छे फ्यूल के लिए एंटी नॉक वैल्यू हाई होना चाहिए और नॉकिंग वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आइसो ऑक्टेन यदि किसी फ्यूल में, यदि किसी गैसोलीन में, पेट्रोल फ्यूल में आइसो ऑक्टेन हम उसमें ऐड करते हैं तो आइसो ऑक्टेन का क्या होता है, आइसो ऑक्टेन ऐड करने के बाद एंटी नॉक वैल्यू उसका बढ़ता है, एंटी नॉक वैल्यू बढ़ता है, और नॉर्मल हेप्टेन हम ऐड करेंगे तो उसका नॉकिंग वैल्यू बढ़ेगा। तो हमें आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज हमेशा बढ़ाना है, आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज बढ़ाना है। इसलिए आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज बढ़ाना है कि एंटी नॉक वैल्यू इसका ज्यादा होता है। जैसे क्लास में भी हम देखते हैं कि क्लास में किसी बच्चों का टेस्ट हम लोग लेते हैं तो ऐसी कोशिश रहती है कि अच्छे मार्क्स आने, अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या अधिक होनी चाहिए, तभी उस क्लास की क्वालिटी है, टीचर की क्वालिटी है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी फ्यूल में आइसो ऑक्टेन हम अधिक से अधिक ऐड करेंगे ताकि आइसो ऑक्टेन ऐड करने से एंटी नॉक वैल्यू उसका बढ़ेगा, और हमें उस फ्यूल का एंटी नॉक वैल्यू बढ़ाना है क्योंकि हमें नॉकिंग कम करना है, ये खड़खड़ाहट और गड़गड़ाहट की आवाज हमें कम करनी है। तो यहाँ पर आइसो ऑक्टेन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग देखेंगे आइसो ऑक्टेन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नॉकिंग और एंटी नॉक वैल्यू। कैसे हम लोग नोट डाउन करेंगे, ऑक्टेन नंबर पे शॉर्ट नोट्स आता है, आप इसे अच्छे से लिखेंगे। ऑक्टेन नंबर रिप्रेजेंट्स क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एनी गैसोलिन, गैसोलिन पेट्रोल। सेकेंड पॉइंट, ऑक्टेन नंबर वाज प्रपोज्ड बाय बाय Eager in 1972. Octane number is defined as it is the percentage of isooctane in the mixture of isooctane and normal heptane. तो ऑक्टेन नंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आप देखेंगे ऑक्टेन नंबर इज डिफाइन एज इट इज द परसेंटेज ऑफ isooctane इन द मिक्सर ऑफ isooctane एंड नॉर्मल heptane. गैसोलीन में नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन हम मिक्स करते हैं, क्यों मिक्स करते हैं,
तो एंटी नॉक वैल्यू को हाई करने के लिए और नॉकिंग को लो करने के लिए, नॉकिंग को लो करने के लिए और एंटी नॉक वैल्यू को हाई करने के लिए हम लोग गैसोलीन में आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन मिक्स करते हैं। तो उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कैसे हम डिफाइन करेंगे, हाउ ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड। तो उस गैसोलीन में जितना आइसो ऑक्टेन का परसेंटेज होगा वही परसेंटेज उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर होगा, उस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होगा। जैसे कि आप देखेंगे लिखा हुआ है ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज, ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज इट इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तो ऑक्टेन नंबर क्या है, किसी गैसोलीन में आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन हम मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उस फ्यूल में आइसो ऑक्टेन का जो परसेंटेज होगा वही वही परसेंटेज उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर भी रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। तो देखेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसे और डिटेल में समझेंगे क्या है ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर फ्यूल रेटिंग से रिलेटेड है और ये स्पेशली पेट्रोल फ्यूल का रेटिंग हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक कंटेनर हमने लिया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में गैसोलीन है, पेट्रोल है, सपोज दैट इसमें पेट्रोल है जिसे गैसोलीन भी हम लोग कहते हैं। इसमें इसमें 80% आइसो ऑक्टेन है और 20% नॉर्मल हेप्टेन है। ध्यान से देखेंगे एक कंटेनर हमने लिया, एक कंटेनर लिया जिसमें हमने गैसोलीन रखा और इस गैसोलीन में, इस पेट्रोल में 80% आइसो ऑक्टेन है और 20% नॉर्मल हेप्टेन है। तो इस फ्यूल का ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर इक्वल टू 80, ऑक्टेन नंबर 80 है। ध्यान से देखेंगे ये 80 कहां से आया, ये 80 कहां से आया और इस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर 80 कैसे हो गया। यदि कोई गैसोलीन है, यदि कोई पेट्रोल है और उसमें आइसो ऑक्टेन 80% है और नॉर्मल हेप्टेन 20% हमने मिक्स किया है, पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन हमने 80% और नॉर्मल हेप्टेन यदि हमने 20% यूज किया है तो उस पेट्रोल का, उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर 80 होगा। दूसरा होगा, सपोज दैट दूसरा है, दूसरा फ्यूल है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पेट्रोल है और यहाँ पर 70% आइसो ऑक्टेन है, ऑक्टेन है और 30% नॉर्मल हेप्टेन है। तो इसका ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर 70 होगा। तो यहाँ का 80 ऑक्टेन नंबर और यहाँ का 70 ऑक्टेन नंबर रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन दिस टाइप ऑफ पेट्रोल, इन दिस टाइप ऑफ गैसोलीन।
इट इज वेरी क्लियर दैट आइसो ऑक्टेन इज द परसेंटेज ऑफ, सो इट इज वेरी क्लियर दैट ऑक्टेन नंबर, इट इज वेरी क्लियर दैट ऑक्टेन नंबर इज परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आपने देखा 80% आइसो ऑक्टेन है और नॉर्मल हेप्टेन 20% है, तो इसका ऑक्टेन नंबर 80% है। सेकेंड एग्जाम्पल में आपने देखा कि सेकेंड एग्जाम्पल में कंटेनर में जो पेट्रोल है उसमें 70% आइसो ऑक्टेन है और 30% नॉर्मल हेप्टेन है, तो यहाँ पर ऑक्टेन नंबर 70% है। तो इट इज वेरी क्लियर दैट ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन। अब हम क्या करेंगे, जनरली जो पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर 87 होता है। सबसे हाई क्वालिटी का पेट्रोल हम लोग कहाँ यूज करते हैं आपको पता होगा, एरोप्लेन में। और अब हम लोग देखेंगे कि यदि किसी पेट्रोल का, किसी गैसोलीन का एंटीनॉक वैल्यू कम है तो हम लोग उसे एंटीनॉक वैल्यू को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे। एंटीनॉक वैल्यू बढ़ाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो टेट्राइथाइल लेड। एंटीनॉक वैल्यू बढ़ाने के लिए हम लोग टेट्राइथाइल लेड हम लोग यूज करते हैं। तो ऑक्टेन नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। और ये ऑक्टेन नंबर कैसे इंक्रीज करता है और कैसे डिक्रीज करता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड में सबसे ज्यादा रहता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड में सबसे ज्यादा रहता है, फिर अल्किन में उससे कम, फिर अल्काइन में उससे कम, और सबसे कम ऑक्टेन नंबर जो है साइक्लिक रिंग कंपाउंड का रहता है। तो सबसे ज्यादा ये ऑक्टेन नंबर अल्केन का है, फिर अल्कीन का है, फिर अल्काइन का है, और फिर रिंग कंपाउंड का है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर, जो कि अल्केन में सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम अल्कीन में है, फिर उससे कम अल्काइन में है, और साइक्लिक कंपाउंड में सबसे कम है। तो कैसे इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ऑक्टेन नंबर को आप ध्यान से पढ़ेंगे एग्जामिनेशन में, निश्चित रूप से ऑक्टेन नंबर पर नोट्स रहता है और आप इसे अच्छी तरह से लिखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेन नंबर।